नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल नेहा ऑफिशियल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपना खूब ख्याल रख रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गर्भ में शिशु उल्टा क्यों हो जाता है। तो सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग वीडियो को फुल वॉच करें, तभी आपको पूरा वीडियो समझ आएगा। आप आधी अधूरी वीडियो देखते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन भी करने पड़ते हैं और पूरी वीडियो आपको समझ भी नहीं आती है। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, जानते हैं कारण कि बेबी गर्भ में उल्टा क्यों हो जाता है और इससे क्या क्या परेशानी उठानी पड़ सकती है। प्रेगनेंसी एक बहुत ही मुश्किल और महत्वपूर्ण समय होता है। इस दौरान कई तरह की परेशानियां आने की संभावना रहती है, जिसमें से एक गर्भ में बच्चा उल्टा होना भी शामिल है। लगभग 3 से 4% महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ में बच्चा उल्टा होने की समस्या देखी जाती है। बच्चे का उल्टा होने का मतलब यानी बच्चा अपना सर ऊपर कर लेता है और बर्थ कैनाल नीचे यानी पैर नीचे की साइड होते हैं, तो ऐसे में बच्चा उल्टा कहा जाता है यानी ब्रिज बर्थ कहा जाता है। और नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बच्चा हेड डाउन कर ले, अपना सर नीचे की साइड कर ले, ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए अच्छा माना जाता है। गर्भ में बच्चे का उल्टा होना यानी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है पानी का कम होना। पानी की थैली में यदि पानी कम होगा तो इससे बच्चा बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर पाएगा, जिस वजह से बच्चे का हेड डाउन नहीं हो पाता है। इसलिए प्रेगनेंसी के टाइम पे हर गर्भवती को अपना खूब ख्याल रखना चाहिए और ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो। फ्रूट्स, जूस और भी बहुत सारी चीज़ें उन्हें ऐसी खानी चाहिए जिससे कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी मिले और उनका बच्चा बहुत अच्छे से मूव करे। दूसरा जो इसका कारण है वो हो सकता है समय से पहले डिलीवरी हो जाना, यानी 9 महीने से पहले डिलीवरी हो जाना। कहा जाता है कि 8वें या 9वें महीने में बच्चा हेड डाउन करता है। यदि 8वें और 7वें महीने में डिलीवरी होती है, इस वजह से भी बच्चा हेड डाउन नहीं कर पाता है, जिस वजह से बच्चा उल्टा ही रह जाता है और सी सेक्शन से उसकी डिलीवरी करनी पड़ती है। कई बार यह भी देखा गया है कि गर्भ में ट्विंस बच्चे हैं तो इस वजह से भी बच्चे हेड डाउन नहीं कर पाते हैं। इसके साथ साथ गर्भ के आकार का असामान्य होना भी एक कारण होता है। साथ ही प्लेसेंटा जो होता है, प्लेसेंटा भी इसमें एक अहम रोल निभाता है। प्लेसेंटा की वजह से भी बच्चा हेड डाउन नहीं कर पाता है। ये तो थे कुछ कारण जिससे गर्भ में बच्चा उल्टा हो जाता है। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में बच्चा उल्टा हो जाए तो क्या करना चाहिए। गर्भ में बच्चा उल्टा हो जाए तो ऑपरेशन से ही डिलीवरी करवानी पड़ती है। उल्टे बच्चे की डिलीवरी करवाना आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी आज के चिकित्सा युग में ऑपरेशन ही इसका इलाज रह गया है। पुराने ज़माने में दाई माँ बच्चे के उल्टा होने पर भी बिना ऑपरेशन के ही सुरक्षित डिलीवरी करवा देती थी, लेकिन आज की डेट में हर कोई ऑपरेशन करवाता है और ऑपरेशन की ही सलाह दी जाती है। गर्भ में बच्चा उल्टा हो तो उसे सीधा करने के लिए आप कुछ उपाय कर सकती है जो कि काफ़ी आसान है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा उल्टा हो गया है तो बच्चे की स्थिति को ठीक किया जा सकता है। अब यह कोशिश कितनी सफल होगी ये इस बात पर निर्भर करती है कि ब्रिज प्रेगनेंसी का कारण क्या है। गर्भ में बच्चा उल्टा होने की स्थिति में अगर आप ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती है तो एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लें और इस मामले में किसी भी तरह की जिद करना सही बात नहीं है। हालांकि कुछ माओं ने यह दावा किया है कि एसेंशियल ऑयल जैसे कि पुदीने के तेल से पेट की मालिश करने से बच्चा खुद ही गर्भ में घूमकर सही स्थिति में आ जाता है। एसेंशियल ऑयल के इस्तेमाल से गर्भवती महिला को डॉक्टर से परामर्श जरूर लेना चाहिए, क्योंकि सभी एसेंशियल ऑयल प्रेगनेंसी में सुरक्षित नहीं होते हैं। इसके अलावा ब्रिज प्रेगनेंसी में कुछ व्यायाम और पोजीशन भी बच्चे को सही स्थिति में लाने में मदद करते हैं। इसमें लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करने से भी फायदा हो सकता है। यदि आप चाहती है कि आपके गर्भ में बेबी उल्टा ना हो तो उसके लिए आपको पहले से ही अपना खूब सारा ख्याल रखना होगा। थोड़ा बहुत वॉक करना, साथ ही अच्छा खान पान और अपने आप को टेंशन फ्री रखना होगा, क्योंकि बहुत बार मानसिक तनाव की वजह से भी गर्भ में बहुत सारी परेशानियां बेबी को उठानी पड़ सकती है। और ध्यान रहे कि इस टाइम पे आप जितना भी पौष्टिक आहार लेती हैं उससे सीधा इफ़ेक्ट आपके बेबी पे भी ही पड़ता है। इसलिए अच्छे से अच्छा भोजन करिए, साथ ही रसदार फल जरूर खाइए, सलाद अपने डाइट में जरूर शामिल कीजिए और पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होने दीजिए, क्योंकि हर बार देखा जाता है, ज़्यादातर केस में यही देखा जाता है कि पानी की कमी से ही बच्चा उल्टा हो जाता है और जिस वजह से ऑपरेशन करना ही पड़ता है।
तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपना खूब ख्याल रखेंगे, और भी कोई इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय फ्रेंड्स।